नमस्कार। चलिए जम्मू कश्मीर के मौसम के बारे में बात करते हैं कि मौसम के क्या कुछ सूरत हाल जो है चल रहे हैं, और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रिडिक्शंस जो है वो मौसम को लेकर की गई हैं, क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर की तरफ से जारी की गई है जम्मू कश्मीर के लिए। तो आपको बता दें कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि 15 मई तक जम्मू कश्मीर में इसी तरह से गर्म हवाएं जो है वो चल सकती हैं, इसी तरह की लू जो है वो जिस तरह से पड़ती हुई दिख रही है उसी तरह की लू और गर्म हवाएं जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ जम्मू में अगर कल की बात करते हैं तो कल बुधवार की शुरुआत जो है वो साफ मौसम के साथ हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी जो है वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। और इसी के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो मई के महीने में भी अपना एक अलग ही रूप जो है वो यहाँ पर जो है वो दिखा रहा है। और इसी के साथ साथ मई के आगे बढ़ने के साथ साथ अब आसमान से आग बरसना जो है वो भी शुरू हो चुकी है। और वहीं जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो जम्मू संभाग में जिस तरह से लगातार टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इसी के साथ कश्मीर संभाग में भी ये असर जो है तापमान में देखने को मिल रहा है। घाटी के कई जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी दिन का टेम्परेचर नॉर्मल से 6 से 8 डिग्री तक ऊपर जो है चला गया है, और जम्मू संभाग में भी यही हालात जो है वो नजर आ रहे हैं। जम्मू में गर्म हवाओं से अब जो आम लोग हैं उनका जो लाइफस्टाइल है, जो उनका जनजीवन है, वो भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर दिन के अगर टेम्परेचर की बात करें तो उसमें उछाल के साथ एक बार फिर 40 डिग्री के करीब जो है वो टेम्परेचर पहुंच चुका है। और मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने आगामी 15 मई तक गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जो है वो भी दी है। जम्मू में बुधवार की शुरुआत जिस तरह से साफ मौसम के साथ हुई है उसके बाद लगातार कड़कती हुई धूप जो है वो देखने को मिली, जिसने जो है लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया, बहुत ही ज्यादा गर्मी जो है लोगों को महसूस हुई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बाजारों की अगर हम बात करें तो इस गर्मी का जो असर है वो बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। लोग जरूरी खरीदारी के लिए बाजारों की ओर जरूर रुख कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इस तपती हुई गर्मी से किस तरह की परेशानी हो रही है। और वहीं पर अगर टेम्परेचर की बात करें तो जम्मू में दिन का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर जो है वो देखा गया, जिसमें 39.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और वहीं पर बीती रात को मिनिमम टेम्परेचर जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस रहा है। बनिहाल में दिन का टेम्परेचर नॉर्मल से 6.2 डिग्री सेल्सियस जो है ये ऊपर चला गया था, जिसमें 31.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर दिन का टेम्परेचर 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। पहलगाम में 25.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, गुलमर्ग में 19.6 डिग्री सेल्सियस, और इसी के साथ बटोत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 29.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। कटरा में 35.2 डिग्री सेल्सियस, भद्रवाह में 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये रिकॉर्ड किया गया है। और इसी के साथ साथ अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के लेह में दिन का टेम्परेचर जो है ये 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। कारगिल में 25.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये रिकॉर्ड किया गया। तो ये जो भी मौसम को लेकर जो जानकारी रही है, जो टेम्परेचर पिछले अगर दिन की बात करें तो किस तरह का टेम्परेचर जो है जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर जो है देखने को मिला। और इसी के साथ साथ मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की तरफ से भी जिस तरह से ये प्रिडिक्शन जो है की गई है कि आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह से तपता हुआ रहेगा, इसी तरह से गर्मी जो है वो यहाँ पर रहने वाली है, और खास तौर पर गर्म हवाएं जो हैं वो इसी तरह से चलती रहेंगी 15 मई तक। और जो भी व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनके एरिया में क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह का मौसम जो है आपके इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी के लिए इस लाइव अपडेट में बस इतना ही, दीजिएगा इजाजत।